किसी भी चरित्र को हम देखे, चाहे महापुरुष का जीवन कथा न हो, चाहे हमारे संसार में सांसारिक अवस्था में चाहे कोई घटना हो या कोई नाटिका हो या कोई मूवी हो, इनके अंदर दो पात्रों का मुख्य रूप से रोल होता है। एक तो होता है नायक और दूसरा होता है खलनायक। खलनायक का काम वही होता है कि वो जब तक जिंदा रहता है, जब तक जीवित रहता है, तब तक लोगों के लिए तकलीफें खड़े करना, उनको दुख दर्द महसूस करवाना, और नायक का काम होता है ये सब चीजों से परे रहकर उनको बचाना। और अंततः खलनायक की हार होती है और नायक की जीत होती है। ऐसे ऐसे हमें हमारे महापुरुषों के कथानकों में भी दो पात्रों का रोल मुख्य रूप से होता है। एक तो होता है सज्जन और दूसरा होता है दुर्जन। और सज्जन अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ता और दुर्जन अपनी दुर्जनता को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सज्जन को ये पता होता है कि अगर दुर्जन का स्वभाव दुर्जनता छोड़ना नहीं है तो मेरा स्वभाव तो सज्जनता कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्जन अपनी जो भी स्थिति है वो नहीं छोड़ सकता है, तो मैं ये तो कदापि नहीं छोड़ सकता। क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत आता है एक बिच्छू का, वो बिच्छू पानी में गिर जाता है और उसे एक महाराज बचाने की कोशिश करते हैं। बार बार वो बिच्छू को पानी में से लेते हैं और बाहर फेंकते हैं, और जब बाहर फेंकते हैं तब तक वो बिच्छू उनको एक डंक मार देता है और फिर से वापस वो बिच्छू पानी में गिरता है, फिर से उनको बचाते हैं। ऐसे 4-5 बार हो जाता है तो उनका शिष्य उनको कहता है कि गुरु जी, आप बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है, बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप बार बार बिच्छू को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तो गुरु जी कहते हैं कि वत्स, ये जो बिच्छू है उसका स्वभाव काटने का होता है और अपने संतों का स्वभाव बचाने का है। अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं तो उससे गुजरा हुआ नहीं हूँ, मैं तो गया गुजरा नहीं हूँ, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ू? वो अगर काटने का स्वभाव नहीं छोड़ेगा जब तक, तब तक मैं उसे बचाने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसलिए कहा है कि जो धर्म को जानता है, जिसने धर्म को अंगीकार किया है, जिसको ये धर्म अपने रोम रोम में बसाया है, वो कहीं भी जाता है लेकिन अपनी सरलता वो कभी छोड़ नहीं सकता, अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। चाहे कैसी भी स्थिति उसके सामने निर्माण हो जाए लेकिन वो इससे पार हो जाता है। ऐसा ही धर्म किसने अंगीकार किया था? श्रीपाल महाराजा ने। और इसी शिव चक्र के प्रभाव से उन्होंने अपने जीवन में इतनी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करी, आखिरकार अंतोगत्वा वो लौकिक के साथ साथ लोकोत्तर वैभव की भी प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। उनके जीवन में भी धवल से जैसे दुर्जन आते हैं, हमेशा उनसे जितना वो उनके साथ अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, इतना ही धवल से उनके सामने दुर्जनता से पेश आता है। और शिवपाल कुंवर ने अपने जीवन में 9 रानियों को प्राप्त किया और अंत में नौवें देवलोक में वो जाएंगे और नौवें देवलोक में जाने के बाद अंतोगत्वा मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। ये सारा प्रभाव अगर था तो सिद्ध चक्र का प्रभाव था। उन्होंने सम्यक धर्म की आराधना करी, सम्यक पद की आराधना करी और ये नव पद ओली जो है उसके हम शाश्वती ओली कहते हैं। पर्युषण को हम शाश्वत पर्युषण पर्व नहीं कहते लेकिन नव पद ओली को शाश्वत कहते। लोग कहते कि उस समय चौथा आरा था, आज तो पांचवा आरा है। ऐसा नहीं है, चौथा आरा था तो हमारे भाव भी उस समय ऐसे ही होते थे जैसे आज थे। उस समय भी लोगों की स्थितियां ऐसी थी जैसी आज थी, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि उस समय ऐसी 3 चीजें शाश्वतता थी जो आज भी हमारे सामने विद्यमान है। वो कौन सी 3 चीजें है जो चौथे आरे में भी थी और आज भी है? वो कौन सी 3 शाश्वती तीर्थ है? एक तो शाश्वता सिद्धाचल तीर्थ जो उस समय भी था और आज भी हमारे सामने वही मौजूद है, और दूसरा है शाश्वती ओली।
जो उस समय भी थी और आज भी है, ऐसे भगवान ने कहा कि उस समय जो जो शाश्वती चीजें थी वो आज भी हमारे सामने विद्यमान है, वही चीजें हैं, वही आराधनाएं हैं, वही विधियां हैं। अगर फर्क है तो हमारे भावों के परिणाम नीचे होने लग गए, भावों में उच्चता नहीं रही, भावों में शुद्धता नहीं रही। इसी कारण इसका लाभ हमें जितना चाहिए इतना मिल नहीं सकता, क्योंकि हम जो भी आराधना करते हैं इसमें कहीं ना कहीं सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के भाव छुपे रहते हैं। हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे जो संवर्ग पूर्वक किया करने की जो क्रियाएं होती है वो हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो भी तपस्या हम करें संवर्ग पूर्वक करें, तभी वो तपस्या कर्म निर्जरा का कारक बन सकती है। इसलिए कहा है कि जो नौपद ओली है वो अगर भरत क्षेत्र में है तो यही ओली महाविजय क्षेत्र में भी होती है, और महाविजय क्षेत्र में सीमंदर स्वामी इसी ओली की व्याख्यान भी अपनी देशना में ये नौपद की महिमा लोगों को सुनाते हैं। ऐसा कहा गया है कि परिश्रम पर्वत शायद महाविजय क्षेत्र में नहीं होते होंगे, लेकिन ये नौपद ओली महाविजय क्षेत्र में भी होती है, और वहां भी सीमंदर स्वामी नौपद की महिमा अपने मुख से लोगों को सुनाते हैं। इसलिए जो भी हम आराधना करें, जो भी क्रिया करें, वो संवर्ग पूर्वक करें, तो भी ये हमारे कर्म निद्रा का कारक तपस्या बन सकती है। अन्यथा कर्म आते रहेंगे, हम तपस्या करते रहेंगे, तो कर्मों से हम कभी भी छूट नहीं सकते। इसलिए ज्ञानों ने हमको कहा है कि हम जो भी क्रिया करे सम्यक रूप से करे। अब यहाँ धवल सेठ श्रीपाल राजा को मारने का जो षड्यंत्र उसने बनाया था, उसने उसके अंदर वो कामयाब हुआ, सफल हुआ, और श्रीपाल कुंवर वहां चले गए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिसके हृदय में निष्कपट भाव होते हैं, किसी के लिए भी कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, वो भी सामने वाले का छल कभी समझता नहीं है, वो भी सामने वाले को अपने जैसा ही समझता है, इसलिए बातों में आ जाता है। इसलिए श्रीपाल ने भी उनको कहने के बाद भी वो धवल सेठ की महा कपटता को नहीं समझ सके, और धवल सेठ की बातों में आके वो जहाज के वो लंगर पे चले गए, वो रस्सियों को काटा गया, और श्रीपाल कुंवर दरिया में चले गए, और दरिया में गिरते ही, समुद्र में गिरते ही उन्होंने किसका स्मरण किया, सिद्ध चक्र का स्मरण किया। ऐसी स्थिति में भी वो सिद्ध चक्र को आगे रखते हैं, और जैसे ही अंदर गिरे तो वो जल तरने की जो विद्या थी उनके पास, उसके प्रभाव से उन मगरमच्छ के ऊपर वो जाते हैं, और मगरमच्छ उनको लेकर एक किनारे पे पहुंचता है, वो किनारा होता है थाना नगरी का, जहाँ पे कितनी सालों से वर्षों से वहां पे यातायात सारी व्यवस्थाएं बंद थी। क्यों बंद थी? कि वहां पे हिंसक पशु ज्यादा आते थे, इसलिए वहां के राजा ने वहां की सारी यातायात व्यवस्थाएं बंद करवा दी थी। अब वहां पर जब वो पहुंचते हैं, किनारे पे पहुंचते ही उनको लगता है कि मैं कहां पर आया हूँ, ये कौन सा देश है। अगर पूरे दिन समुद्र में रहने के बाद वो थक गए थे, और थकने के बाद एक चंपा के वृक्ष के नीचे जाके वो आराम करते हैं, आराम करते करते ही उनको नींद लग जाती है, और नींद भी गहरी लग जाती है, क्योंकि वो थके हुए थे, पूरा दिन कहाँ चला गया उन्हें पता भी नहीं चला। अब उनके कानों में आवाज आती है कि कितने सारे घोड़ों की आवाज आई है, हाथियों की आवाज आई है, और लोगों की जय जयकार की आवाज आई है। आवाज से उनकी आंखें खुल जाती है, और आंखें खुलते ही उन्हें देखा कि उनके सामने हजारों लोग खड़े है, साथ में उस नगर के प्रधानमंत्री खड़े है, सेनापति खड़े है। अब उनको पता भी नहीं चलता कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए है। तो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ थाना नगरी के राजा के प्रधानमंत्री है, और आप अभी थाना नगरी में हो, आपको हमारे राजा ने आदर सहित ले जाने का हुक्म दिया है, और आप हमारे साथ यहाँ से चले और वहाँ चलकर हमारे राजा को मुलाकात करें, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है हमें कि जो भी आपको ये कुंवर यहाँ पे मिल जाए उनको लेके आना। तो वो कहता है कि आप मुझे वहाँ पे क्यों ले जा रहे हो, तो कहते हैं श्रीपाल ओके हमारे राजा हम आपको बताएंगे यहाँ पर आपको लाने का प्रयोजन क्या है। श्रीपाल को लेके जब राजा वसुपाल के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, वसुपाल राजा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद उनको कहता है कि आप हमारी मेहमान गति स्वीकार करें, आप यहाँ पर रहे, पर यहाँ लाने का प्रयोजन क्या है राजन, आप हमें दिखाओ। तो राजा वसुपाल कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी और मेरी पुत्री के साथ हमारा यहाँ अच्छे से
चल रहा है, लेकिन मेरी पुत्री शादी का समय पास में आने के बाद मैं बहुत चिंतित था और मैंने उनको कहा कि मेरी मदन मंजरी नाम की जो लड़की है उसकी शादी कौन से योग से करवानी। इसलिए मैंने एक ज्योतिषी को बुलाया था। ज्योतिषी ने आने के बाद अपने राजा से कहा था समय देखने के बाद कि आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आपका जो आपके लड़की का जो वर होगा वो एक महीने के बाद वैशाख शुद्ध दशमी के दिन वो अपने को किनारे पर मिलेगा, वो भी चंपा वृक्ष के नीचे जो युवक सोया हुआ रहेगा वही युवक आपकी पुत्री के लिए वर होगा, वही अच्छा लड़का होगा। इसलिए जो वैशाख शुद्ध दशमी के दिन जो चंपा वृक्ष के नीचे जो भी युवान सोया होगा, और ऐसा कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भी वो चंपा वृक्ष की जो वो छाया उसे नहीं छोड़ेगी, वही आपके लिए वर होगा, उसे आप यहाँ पर ले आना और आपकी पुत्री की शादी उससे करवा देना। ऐसा कह के ओम कहते कि ये तो भवितव्यत की बात है, ऐसा समझकर श्रीपाल वो बात को स्वीकार करते हैं और वहां पर रहते हैं। आराम से दिन जा रहे हैं। अब राजा उनको कहता है कि अब जल्दी से जल्दी हमारी तुम्हारी शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि मेरी पुत्री की भी उम्र हो रही है। अब ज्योतिषी को बुलाया गया है। ज्योतिषी अपने शास्त्र देख के बोलता है कि आज ही का दिन श्रेष्ठ है, आज ही के दिन आपकी लड़की की शादी इन उम्र से करवा दो, तभी श्रेष्ठ होगा। तभी राजा ने उसी समय जल्दी से उनकी शादी उसी दिन करवा दी। अब मदन मंजरी के साथ श्रीपाल कुंवर की शादी के बाद वहां आराम से रहते हैं। ये कौन सी शादी हो गई? पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी और चौथी? मदन मंजरी। अब श्रीपाल कुंवर चार चार पत्नियों के साथ उनकी शादियां हो गई है और अपने एक श्रीपाल भाई यहाँ बैठे हैं, तो एक ही है शांति भाई। अब वो श्रीपाल कुंवर नौ नौ शादियां करेंगे आगे जाके सिद्ध चक्र के प्रभाव से। अब चौथी शादी करने के बाद आराम से वहां पे रह रहे हैं, शिव चक्र का ध्यान कर रहे हैं, शिव चक्र का स्मरण कर रहे हैं और राजा कहता है कि आप मेरा राज्य स्वीकार करो। तो श्रीपाल कहते हैं कि नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ ससुराल में हूँ, तो आपका राज्य लेना मेरे लिए शोभास्पद नहीं है, आपको हमारा मान रखना ही पड़ेगा। तो राजा वसुपाल की बात रखने के लिए वो एक मंत्री का पद लेते हैं और वो पद होता है स्वागत मंत्री का, कि जो भी आगंतुक जो भी मेहमान हमारे राज्य में आता है उसे आप स्वागत करना और स्वागत करके राजा की तरफ से एक बीड़ा देना पान का, पान का बीड़ा देने के बाद उनका स्वागत करना, वही स्वागत मंत्री का पद श्रीपाल कुंवर को मिलता है। और स्वागत मंत्री का पद लेने के बाद आराम से वहां पे ले रहे हैं, अपनी धर्म आराधनाएं कर रहे हैं। मदन मंजरी भी अपने संस्कारों से अपने धर्म आराधन से वो श्रीपाल कुंवर को इतना मोहित कर देती है कि श्रीपाल भी उसे धन्य हो जाते और समझते कि वास्तव में मुझे जो जो भी जिनके साथ मेरा पाणी ग्रहण हो रहा है, जिनके साथ मेरा विवाह हो रहा है, वो सारी कन्याएं भी संस्कारी और सुशील उनको प्राप्त होती जा रही है। अब ये तो घटना हो जाती है, अब जहाज में क्या हुआ है श्रीपाल कुंवर के गिरने के बाद? ऐसा कहा गया है कि जो आदमी कपटी होता है, छल होता है, जिनके हृदय में वो ज्यादा माया करता है, वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि शेर होता है, चीता होता है, कमान जो तीर कमान होते हैं वो जितना भी चूकते हैं इतना ही ज्यादा वार करते हैं लोगों पर। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जो ज्यादा माया करता है, ज्यादा माया भी करके दिखाता है लोगों को, वो हमेशा ज्यादा दिखावा करता है और लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसके हृदय में तो छल होता है। इसलिए धवल सेठ ने सोचा कि अब मैं रोने का नाटक करूं और रोने का नाटक करके दोनों कन्याओं को मैं अपना बना लूं। ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लग गया, इतना रोने लग गया कि पूरे जहाजों में हलचल मच गई और सबने सोचा क्या हुआ। तो उसने सोचा कि मेरे माली जो मेरे जीवन रक्षक थे, जिन्होंने मेरे जहाजों को बचाया था, वही पानी में गिर गए, अब मैं क्या करूं। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं धवल से, क्योंकि वो दुर्जन है, उनका पेशा दुर्जनता का है, इसलिए कभी भी उनके हृदय में शुद्ध भाव शुभ भाव कभी आ नहीं सकते। वो ऊपर से रो रहे हैं लेकिन हृदय में उनकी भावना जो है वो सारी चीजें हड़प करने की है, ये दो दो कन्याएं मेरी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो जाते
है। अब जैसे वो दोनों रानियों के पास पहुंचते हैं और रानियों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो रानियों को लगता है कि ये क्या हो गया, अभी अभी तो हमारी शादी उनसे हुई है, हम माता पिता पूरा नगर छोड़ के उनके साथ आए और ये भी हमको छोड़ के चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे। तो सती स्त्रियों को हमेशा पतिव्रता ही धर्म होता है, उनका पति चला जाता है तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचता, और जो जो पतिव्रता नारियां होती है उनका पति चाहे कैसा भी हो, चाहे पैसे अपंग हो, चाहे नौकरी नहीं करता हो, चाहे कमाता नहीं हो, कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन पत्नी के लिए पति हमेशा सर्वमान्य होता है और वो हमेशा पति की पूजा करती होती है। इसलिए ये दोनों रानियां मूर्छित हो गई, दोनों बेहोश हो गई। अब जब तक वो होश में नहीं आएगी तब तक धवल सेठ की कामना की पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए जब वो होश में आई तब उनको बार बार उनको आग्रह करके अपने वश में करने के सारे षड्यंत्र वो रचते है, और जब वो अपने वश में नहीं होती है तो वो जबरदस्ती और बलपूर्वक जब उसको लेने की कोशिश करता है, उतने में तो जोरों से आवाजें होती है, बिजली की आवाज होती है और ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। तूफान आए उसके पहले एक भैरव, काला भैरव आगे आता है और हाथी को भैंसा पे बैठ के आता है, उसके हाथ में नर मुंड है, एक हाथ में खुली तलवार है और खुली तलवार लेके जब आता है उसके पीछे चकेश्वरी देवी आती है। और जब दोनों रानियां शिव चक्र का ध्यान लगाती हुई बैठी है उस समय जो चकेश्वरी देवी आती है और कहती है कि ये तुमको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति सब कुशल है और अभी कोंकण देश में थाना नगरी में है, इसलिए आप कोई भी फिक्र मत करो, आप तो शिव चक्र का ध्यान करो। इतना कह के जो धवल सेठ थे उनके जो मित्र थे उन्होंने जो कपट में साथ दिया था वो मित्र को वो मार गिराती है और उनके सर धड़ से अलग कर देती है। और धवल सेठ भी उसको लगता है कि मेरे को कोई बचा नहीं सकता, ये देवी मुझे भी मार देगी, तो उसको जब कोई नहीं सहारा मिलता है तो वो दोनों रानियों के पैर पकड़ लेते हैं और उनको विनती करते हैं कि आप मुझे बचा लो नहीं तो ये देवी मुझे मार देगी। तो चकेश्वरी देवी कहती है कि तू अगर सतियों के पास गया है, सतियों की शरण में गया है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी दम्भ पूर्वक पर्वती तू सर्वथा छोड़ देना, त्याग कर देना, अन्यथा तेरे लिए बहुत बुरा अंजाम होगा। आज तो मैं तेरे को कह के जा रही हूँ, आगे कभी ऐसा हुआ तो मैं तुझे मारते एक मिनट की चीज कुछ भी नहीं करूंगी, मार गिराऊंगी। ऐसा कहकर वो देवी चली जाती है और ये दोनों रानियों को सांत्वना मिलती है कि आज से एक मास बाद में हमको हमारे पति मिल जाएंगे। ऐसा कहकर एक महीना हो जाता है और जब वो जहाज दरिये में से जा रहे हैं, जाते जाते जब वो अपने चालक को धवल सेठ पूछते कि जहाज किस ओर जा रहे है, तो वो कहता है कि जहाज कांकण देश की ओर जा रहे है और कांकण देश सामने ही दिख रहा है। तो धवल सेठ को वो चकेश्वरी देवी की बात याद आ जाती है, क्योंकि देवी कह के गई है कि तुम्हारे पति कांकण देश में है और थाना नगरी में है, एक महीने के बाद आपको मिलेंगे। अब वो अपने चालकों को विनती करके कि जहाज को इस साइड में उत्तर साइड की ओर ले चलो। तब जहाज को कितनी भी कोशिश करते, कितना भी प्रयास करते, लेकिन तूफान उनको कोंकण देश की ओर धकेल देता है और कोंकण देश के किनारे पर पहुंचते ही जहाज वहां पे लंगर सब खड़े हो जाते हैं और सारे लोग वहां पे नीचे उतरते हैं। कितनी कोशिश करने के बाद भी वो लोग वहां पे उतर जाते हैं, क्योंकि कहा है कि नवपद जिनके हृदय में समाया है, नवपद की जो लोग आराधना करते हैं, शिव चक्र का जो लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि आमिल की आराधना एकदम निर्मल होती है, आमिल जो सम्यक भाव से करते हैं, आमिल में इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है, अगर हम आगे कितने भी दृष्टांत उठा के देखें तो जो जो लोगों ने ये आमिल की तप आराधना करी है उनके निश्चय उनके जीवन में कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त तो अवश्य हुई है। अगर हम देखेंगे भगवान महावीर के 44वें पाद पर आचार्य देव जगत चंद्र सूरी जी हो गए और जगत चंद्र सूरी जी को तपा विरुद्ध का विरुद्ध प्राप्त हुआ था, ये तपा विरुद्ध का जो विरुद्ध दिया था वो उदयपुर के राणा महाराणा ने दिया था। उदयपुर के जो राणा थे उन्होंने देखा कि जगत चंद्र सूरी महाराज नदी में भीष्म गर्मी में भी और वैशाख महीने की गर्मी में भी अपने शरीर की आतापना लेने के लिए नदी की रेती में सोए हुए है, जीवन भर निर्मल और आमिल करने वाले ऐसे आचार्य श्री और ऐसी काया क्लेश करने वाले
उनके आचार्य श्री को धन्य है, ऐसा कहकर वो आचार्य श्री को पास आते हैं और उदयपुर के राणा उनको कहते हैं कि आपको जैनाचारी है, आपको लोगों को उपदेश देते हो, इतना सारा काम करते हो, जीवन भर लुखा सुखा खाते हो और अपने शरीर को इतना कष्ट देके आप तपस्या कर रहे हो, वाकई आपकी तपस्या बहुत धन्य है, आज से आप तपस्वी नहीं हो, आप तो तपा हो तपा, ऐसा कहकर तपा का विरुद्ध दिया। और तब ये जगत चंद्र सूर्य होने के पहले जो भी अपना गच हुआ वो वड गच नाम से प्रख्यात था, लेकिन जगत चंद्र सूर्य को जो तपा का विरुद्ध मिला उसके बाद ये अपने गच का नाम तपा गच हुआ, जिसके अंदर हम सब रह रहे हो वो तपा गच का अगर किसी को यश प्राप्त है तो जगत चंद्र सूर्य जी को है, और उनको भी तपा विरुद्ध अगर मिला था तो आंबिल के प्रभाव से मिला था, और आंबिल उन्होंने जीवन भर निर्मल आमिल करके अपने जीवन को धन्य किया था, ऐसे आमिल करते करते उन्होंने अपने जीवन को सफल किया था। इसलिए भगवान ने कहा है कि कोई भी कार्य हम करे, कोई भी तपस्या करे, संवर्ग पूर्वक करे, कर्मों की निर्जरा का कारक तपस्या तभी बनती है जब हम संवर्ग को अपनाएंगे। क्योंकि एक दृष्टांत में आपको देता हूं कि अगर एक घर में एक भाई बाहर जाता है, घर लॉक लगा के जाता है, खिड़कियां खुली है, अगर 5-6 महीने के बाद वापस वो घर पर आता है, घर खोलता है तो क्या घर साफ रहता है? घर में कचरा होता है। अगर उस समय भयंकर तूफान आता हो, अगर वो कितनी भी कोशिश करे घर साफ करने की, लेकिन जब तक खिड़कियां बंद नहीं करेगा तब तक घर साफ हो सकता है क्या? क्यों नहीं? कचरा तो इतना ही आता रहता है, वो जितना साफ करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले अपने जो कर्म बंधन की प्रवृत्तियां होती है, जो पाप की प्रवृत्तियां होती है, उसकी खिड़कियां पहले बंद करो, उसके बाद तपस्या तुम चालू करो, उसके बाद की गई तपस्या ही कर्म निर्जरा का कारक बन सकती है, अन्यथा कितने भी भव में हम तपस्या कर लेंगे, करते जाएंगे, लेकिन कर्म तो आते ही रहेंगे और हमारे कर्म निर्जरा कभी नहीं हो सकती। इसलिए संवर्ग पूर्वक की गई तपस्या हमारे लिए सार्थक एवं सफल हो सकती है, क्योंकि ये समर्पण की जो तपस्या है वही कर्म निद्रा का कारक बन सकती है, अन्यथा कर्मों की वर्गणा हमारे आत्मा पर लगी रहती है, हम कितनी भी तपस्या करें, बाह्य तपस्या करते रहेंगे, लेकिन आंतरिक भाव की शुद्धता तभी हो सकती है जब हम हमारी कर्म प्रवृत्तियां बंद करें और जितना हो सके इतनी पाप प्रवृत्ति से छोड़े, तब जाके आमिर की आराधना हमारी सफल हो सकती है। नवपद की जो आराधना है इसमें देव का भी समावेश है, गुरु का भी समावेश है और धर्म का भी समावेश है, और देव गुरु धर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। कितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दुर्भाग्य को कभी कोसा नहीं है, अपने तकलीफें जब आई तब रोने नहीं बैठे, अपने जब जब भी दुख दर्द आए तब अपने तकदीर को कभी कोसा नहीं है, उन्होंने हमेशा धर्म की शरण ली है, और धर्म की शरण लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पाया है वो अपने सामने भी प्रस्तुत है कि मैना सुंदरी के जीवन में क्या क्या घटना घटी है। उनके पिताजी ने खुद उसको कोड़ी के साथ धकेल दिया, और कोड़ी के साथ धकेलने के बाद राजमहल में से उनके उनको पता भी नहीं था कि मेरे जमाई का घर कहाँ है, उसका महल कहाँ पे, वो कहाँ पे रहता है। वो सारा होने के बाद भी मैना सुंदरी ने कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसा, नहीं अपने पिता निमित्त को कभी कोसा कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि उसे अपने धर्म पर श्रद्धा थी, दृढ़ आस्था थी कि जो भी हो रहा है मेरे कर्म अनुसार के हो रहा है, वो धर्म से कभी विचलित नहीं हुई, और ऐसी आराधना करके अपने जीवन में सब कुछ सफलता पा उसने, और अपने जीवन में आने वाले लोगों के लिए भी वो कल्याणकारक साबित हो गई। तो कहते हैं कि जो भी आराधना करे हम सम्यक रूप से करे और संवर्ग रूप से आप करते जाए तो ये हमारी आराधनाएं सफल होगी, सार्थक होगी, और निश्चय हम हमारे जीवन में कल्याणकारी साबित हो सकती है। इसलिए जो भी क्रिया करे शुद्ध भाव से करे, तब जाके हमारे जीवन में आत्मगुण का भी प्रवेश हो सकता है और कर्म निर्जरा भी हो सकती है।